नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक की सोनारिया जेल में हत्या और रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर आने के लिए 21 दिन की फरलो मिल गई है। राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बागपत के बरवाना आश्रम में रहेगा, लेकिन इस बार राम रहीम को हर बार पैरोल या फरलो दिए जाने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल गुरमीत राम रहीम मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर के गुरसर मोगलिया गांव का रहने वाला है। हरियाणा और पंजाब की सीमा से लगते राजस्थान के कई जिलों में गुरमीत राम रहीम का काफी आधार माना जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू समेत कई जिलों में गुरमीत राम रहीम का खासा प्रभाव है। यहाँ के तकरीबन हर जिले में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में अनुयायी इनसे जुड़े हुए हैं। इस बीच कई मौके ऐसे रहे जिसमें गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर लाने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया था। बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, उसे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिली है। बता दें, फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली। इसके बाद हरियाणा निकाय चुनाव के दौरान भी गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर था और लगातार ऑनलाइन सत्संग करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान कई सरपंचों और नगर निगमों के अलग अलग पदों के उम्मीदवार उसके सत्संगों में नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। हरियाणा में आदमपुर और सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भी गुरमीत राम रहीम को ठीक चुनाव से पहले पैरोल दी गई थी। 37 महीने की अपनी सजा के वक्त के दौरान गुरमीत राम रहीम 9वीं बार जेल से पैरोल या फरलो पर बाहर आ रहा है। हालांकि गुरमीत राम रहीम को राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जेल से बाहर आने के लिए दी गई फरलो के मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमें किसी की पैरोल से चुनावों में फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। हम अपने काम के आधार पर लोगों के बीच जाते हैं, इसीलिए हमें किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं है। राम रहीम को पैरोल देना न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला है। पैरोल के लिए कुछ तय मापदंड है, उसके अनुसार वह दी जाती है। जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में गुरमीत राम रहीम जेल में सजा काट रहा है, उनके बेटे अंशु छत्रपति ने राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि साध्वियों का बलात्कारी रामचंद्र छत्रपति और रंजीत सिंह का कातिल गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सलाखों से बाहर आया है।